हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले अग्निपथ स्कीम के बारे में। क्या ये अग्निपथ स्कीम सही है या फिर गलत? क्यों देश का युवा सड़क पर आ चुका है? क्यों जगह जगह पर ट्रेनें जलाई जाए? क्यों पब्लिक वायलेंस इतना ज्यादा हो रहा है? आज के इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले। सरकार ने जो स्कीम चालू किया है, क्या वो हमारे लिए सही है फिर गलत? क्या हमारा आंदोलन करना सही है? और अग्निपथ से हमें क्या फायदा होने वाला है और क्या नुकसान? तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं अग्निपथ स्कीम है क्या। अग्निपथ स्कीम मोदी गवर्नमेंट के द्वारा 12 जून को लॉन्च किया गया, जिससे कि 17 साल से लेकर 21 साल के लड़कों तक, अभी तो 23 साल कर दिया गया है, जहां पर आर्मी की भर्ती होगी और आपका जो सर्विस टाइम होगा वो सिर्फ 4 साल के लिए। इससे पहले 21 साल के लिए आप सबको सर्विस मिलती थी, अब 4 साल के लिए, 4 साल के बाद। और सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि 4 साल क्यों कर दिया गया? 4 साल किया गया तो उसके बाद आपको कोई पेंशन नहीं मिलने वाली है और जो आपका मंथली पेमेंट होगा वो 30,000 रुपए होगा और रिटायरमेंट के बाद 11 से 14 लाख रुपए मिल जाएंगे। उसके बाद एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि हाँ, आप निवीर में देश की सेवा कर सके। सरकार ने यह भी कहा है कि 75% लोगों को रिटायर कर दिया जाएगा, बट 25% लोगों को चांस रहेगा कि वो आर्मी के लिए लाइफ टाइम, मतलब जितना उनका प्रोसेस होता है नॉर्मल उतना हो सकता है। राज्य की सरकारों ने कहा है कि जो लोग रिटायर होंगे उनको हम जॉब देंगे, सरकारी जॉब ऑफर करेंगे कि उनको थोड़ी बहुत छूट मिल जाएगी। तो अभी हम बात करने वाले अग्निपथ स्कीम के फायदे। नंबर वन फायदा ये है कि देश में इकोनॉमी इतना ज्यादा गिर चुकी है कि क्या बताएं। अब इकोनॉमी तो हमें लोग सुधारेंगे ना, तो सबसे पहले सीधी बात बता देता हूँ। देखिए, एक रिसर्च के दौरान पता चला है कि एक आर्मी सोल्जर के पीछे सरकार 11 करोड़ रुपए खर्च करती है, जब से वो मिलिट्री ज्वाइन करता है टिल एंड तक, जब तक वो पेंशन लेता है। उसके लिए सरकार ने क्या कर लिया है, अग्निपथ स्कीम के थ्रू सोल्जर के पीछे सिर्फ 1 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अब सरकार का इससे क्या फायदा होगा कि वो 10 करोड़ रुपए एक सोल्जर के पीछे बचाएगी, जिससे वो आर्मी में ही इन्वेस्ट करेगी उस पैसे के, जिससे मॉडर्न हथियार खरीदने के लिए और आर्मी के लोगों को खान पीन रहन सहन ये सारी ज्यादा और सुविधा देने के लिए उसको इन्वेस्ट करे। हाँ, सिर्फ ये इंडिया में नहीं लागू हुआ है, 2012 में जापान ने भी यही किया था और यूएस में भी चलता है। जापान, इटली, यूएस और इवन अभी चाइना भी यही कर रही है। तो इससे क्या होगा, हमारे सोल्जर्स की जो एवरेज एज है वो है 32 साल, जिससे हमारे सोल्जर्स की एवरेज एज 23 साल हो जाए, जिससे हमारे सोल्जर्स और ज्यादा जवान हो जाएंगे, मतलब उनमें और ज्यादा उत्साह आएगा। लेकिन उत्साह की बात करें तो कुछ लेफ्टिनेंट कर्नल जो रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने ट्वीट करके बताया, क्या उन जवानों के अंदर वही मोटिवेशन होगा जो परमानेंटली जॉब करते हैं? मतलब उनके अंदर तो यही होगा, यार हम 4 साल के लिए क्यों इतना ज्यादा मरे कटे, हमें तो 4 साल बाद चले जाना है यहाँ से। और जनता को लेकर एक और गुस्सा है, या फिर मेरा भी एक क्वेश्चन यही है कि क्यों मिलिट्री वालों से ही क्यों पैसे काटे जा रहे हैं? एमएलए एमपी जितने हैं, अगर इनके पेंशन से भी काटा जाए, क्योंकि एक बार से अगर ये एमएलए एमपी बन जाते हैं ना भैया, इनकी पूरी फुल हर पीढ़ी की लाइफ सेटल हो जाती है। रिटायर के बाद इनको वीआईपी लाइफ मिलती है, वीआईपी पेंशन मिलती है, वीआईपी फैसिलिटीज मिलती है। तो होने के बाद इनको भी अपना नया जॉब ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि अफसर अनएम्प्लॉय हो जाएगा, वो कहीं और जाकर ढूंढ लेगा। अभी 4 साल नहीं, 21 साल बाद जब कोई आर्मी ऑफिसर 38 या 30 साल में रिटायर होता है, उसके बाद वो कौन सी नौकरी करता है? सिक्योरिटी गार्ड या छोटा मोटा पोस्ट ऑफिस में कहीं जॉब मिल जाते, वो भी हाईली पेमेंट जॉब नहीं होती। अब बात कर लेते हैं जो लोग घरबाजी कर रहे हैं या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ट्रेनें जला रहे हैं, बसें फूंक रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, सीरियस बता देता हूँ, देखो ये मोदी गवर्नमेंट है, एक बार जो फैसला ले लिया गया गाइस वो कभी वापस नहीं होगा, आप चाहे जो हो जाए। जिन्होंने सुसाइड कर लिया भैया, अब कहां जाएंगे वो लोग तो बर्बाद हो गए। अभी 10-15 दिन प्रोटेस्ट चलेगा, उसके बाद सारी चीजें ठंडी हो जाएंगी, सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, फिर से जो नियम एक बार लागू कर दिया गया है उसी सारे काम होंगे। और ये लोग जो पथराव कर रहे हैं, ये पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म, देखो कहीं ना कहीं ये हमारा ही नुकसान है यार। देखो इन फ्यूचर, अभी तो आपको समझना है, यार गुस्सा के कारण आप ये सब कर दे रहे हो, लेकिन इन फ्यूचर फैसिलिटीज कम हो जाएंगी और मोट देश को प्रमोट करना है, डिमोट नहीं करना है। जैसे आपने एक ट्रेन जला दी तो एक ट्रेन की सुविधा खत्म हो गई ना, अब उतने ज्यादा फैसिलिटी नहीं है, नहीं जाना है इमरजेंसी में तुरंत मिल जाती, अब 4 दिन बाद लेट मिलेगी क्योंकि एक ट्रेन तो आपने फूंक दी। अब हम बात कर लेते हैं अग्निपथ स्कीम से हमारे लिए नुकसान क्या है। कई लोग आवाज उठा रहे हैं कि देश के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट ना देकर टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट ये जो स्कीम निकाली के थ्रू दे रहे हैं। इससे क्या होगा कि 4 साल बाद युवा जहां था फिर से वहीं आ जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात यह है कि आपको 11 लाख रुपए का आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा, आप नया अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, यह भी है। लेकिन शुरुआत करने की कोई उम्र नहीं होती, आप बुढ़ापे में भी किसी बिजनेस का कई लोग शुरुआत कर सकते हैं। जैसे मैकडॉनल्ड्स का, आपको केएफसी का पता ही है कि वो 70 साल में हो गए तब उन्होंने अपने बिजनेस स्टार्टअप शुरू किया था। लेकिन हर कोई बिजनेसमैन नहीं बन सकता, यह भी एक फैक्ट है। और कंक्लूजन पे बात कर लेते हैं, क्या हमारे इतने ज्यादा प्रोटेस्ट करने पर ये सारी चीजें वापस आ जाएगी, टीओडी जो लिया गया वो वापस हो जाएगा? नहीं गाइस, ये मोदी गवर्नमेंट है, एक बार जो फैसला ले लिया, ये इस फैसले को अचानक से तो लिया नहीं गया है कि हाँ कल ही सोचे पर अनाउंस कर दे, ये सारे फैसले 3 से 4 साल पहले ही शुरू हो जाते हैं। धीरे 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 ये सब प्रोसेस में होता रहता है, उसके बाद अचानक से आपको अचानक से लगता है, लेकिन उनके लिए तो कभी से प्लान चल रहा है। तो मोदी गवर्नमेंट है यार, जो एक बार अनाउंस कर दिया गया वो दोबारा नहीं लिया जाएगा। और आपने जो परेशान होना है, आपने जो पब्लिक पार्टी को हार्म पहुंचाया, कितने बंदों ने सुसाइड कर लिया, यार ये तो सबसे ज्यादा बुरी
बात है, मतलब सुसाइड करने की क्या जरूरत है, क्या आर्मी ही एक गवर्नमेंट जॉब है? बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब है, बैंक ही है, वीडियो है, डाक प्रमुख है, बहुत सारी चीजें हैं, ये सारी गवर्नमेंट जॉब भी है, आप उसमें भी ट्राई कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। एक बात मोदी गवर्नमेंट से कहना चाहूंगा कि ये जो आपने कही पेंशन वाली बात है, फिर ये पर एमएलए एमपी जितने भी है इनके भी पेंशन काटे जाए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्मी वाले के ही, क्यों आर्मी वाले ही क्यों, बाकी गवर्नमेंट जॉब वाले जो उनके भी काटा जाए, खासकर एमएलए एमपी। एमएलए एमपी जहां 5 मिनट के भाषण के लिए जाते हैं वहां पर लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, तो वो सारी चीजें बचाई जाए और क्या। दैट्स इट फॉर द डे गाइस, तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे कोई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जो लोग इसमें आंदोलन प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं, देखो यार अब प्रोटेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है गाइस, ये वापस नहीं होगा, एक बार जो हो गए वो हो गए, वापस नहीं होगा, ये फाइनल मेरा रिप्लाई है। और हाँ, वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, और मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगी, कहीं ना कहीं कोई पॉइंट अगर अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, कमेंट खुला रखूंगा, चाहे बैड कमेंट करना है चाहे गुड कमेंट करना है। और हाँ, ये बात तो गलत है गवर्नमेंट के लिए कि आर्मी वालों से ही क्यों पैसे काटे जाए, एमएलए एमपी को मैं सीधा साधूंगा कि उनसे भी काटा जाए और बाकी जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनसे भी।